हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं कैसल केक, जो कि एगलेस होगा और इसको इसके ऊपर हम लेयर लगाएंगे फोंडेंट की, वो भी 100% वेजिटेरियन है। तो मैं फोंडेंट के लिए लेकर आई हूँ बाजार से मार्शमेलोज। ये मल्टी कलर मार्शमेलोज है, 160 ग्राम का ये पैकेट आता है, वो मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। ये टोटल 80 पीसेस का पैकेट आता है। मैं फ़िलहाल इसके अंदर 60 पीस ही यूज़ करूँगी, मुझे इतना ही रिक्वायर्ड है। और साथ ही के अंदर 12 कप मैं पाउडर्ड शुगर यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने नॉर्मल शुगर लिया है और उसको मैंने अच्छे से पीस लिया है और उसको बाद में हम छानेंगे। तो इस तरह का है मार्शमेलो, मल्टी कलर है। मैं इसके अंदर फूड कलर नहीं यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये कलर्ड फंडेंट है ऑलरेडी। अगर ये वाइट होते तो मैं डेफिनेटली इसके अंदर फूड कलर यूज़ करती, स्पेसिफिकली जेल कलर। तो चलिए फोंडेंट बनाते हैं। उसके लिए मैं पाउडर शुगर को पहले छान लूँगी बिल्कुल बारीक जाली से, ताकि उसके अंदर थोड़े भी शुगर क्रिस्टल बचने नहीं चाहिए, वरना हमारा फोंडेंट जो है वो स्मूथ नहीं बनेगा। तो स्मूथ फोंडेंट के लिए ये पहला टिप है, आपको शुगर पाउडर अच्छे से छानना ज़रूरी है। अब मैं ग्रीन मार्शमेलोज यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा फोंडेंट का कलर ग्रीन हो। इसके अंदर मैंने 3 चम्मच पानी डाला है और उसको 3 मिनट के लिए मैं माइक्रोवेव करूँगी। डिपेंड करता है आपका माइक्रोवेव का पावर कितना है, उसके अंदर इस तरह का डाइल्यूटेड इफेक्ट आना चाहिए है। और उसके बाद हम इसके अंदर पाउडर्ड शुगर ऐड करेंगे और उसे क्रम्बल करेंगे अच्छे से। हमें एक डो प्रिपेयर करना है। हमारे यहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ना तो डो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ढीला होना चाहिए। तो एक मीडियम शेप का, मीडियम टेक्सचर का हमें डो क्रिएट करना है। थोड़ा सा हाथ को ग्रीस कर लीजिएगा और उसके बाद ही इस फोंडेंट को आप अच्छे से बनाइएगा, नीड कीजिएगा। देखिए, ये टेस्टिंग मेथड होता है, करीब 1 इंच के आसपास फोंडेंट जो है वो फैलना चाहिए, ये हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब मैं येलो कलर का फोंडेंट बनाने के लिए येलो मार्शमेलोज यूज़ कर रही हूँ। सेम उसी तरह से मैं 3 चम्मच इसके अंदर पानी डालूंगी और करीब 3 मिनट के लिए इसको मैं माइक्रोवेव करूंगी। फिर मुझे उसका जो डाइल्यूशन मिलेगा, उस डाइल्यूशन के अंदर मैं पाउडर्ड शुगर ऐड करके उसे क्रम्बल कर लूंगी अच्छे से और एक नीड करके डो प्रिपेयर कर लूंगी। मार्शमेलोज काफ़ी स्टिकी नेचर के होते हैं, तो जब आप इसको क्रम्बल अच्छे से कर लें और नीड करने की बारी हो तब हल्का सा घी अपने हाथों में लगा लें, चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा डो बिल्कुल बन के तैयार है और इसे आप प्लेटफॉर्म पे ही लीजिएगा। आप अगर सोचेंगे कि इसे बर्तन में बना देंगे तो वो नहीं बनेगा। तो प्लेटफॉर्म को अच्छे से ग्रीस करके और उसके बाद में हमें इस तरह से इसको बेल के देखना है कि कितना फैल रहा है ये। तो ये परफेक्ट फोंडेंट बन के तैयार है। आप ये मान लीजिए कि जिस तरह से हम क्ले से खेलते हैं, तो ये क्ले का ही गेम हम खेलेंगे। आप ये मान के चलो कि अगर आप 12 पीस का फोंडेंट बनाओगे तो आपको कम से कम उसको नीड करने में 12 मिनट से 13 मिनट तो लगेंगे ही। तो अब बारी आती है रेसिपी के मेन हीरो की, यानी कि हमारे केक की। उसका बैटर मैं 2 पार्ट्स में बनाने वाली हूँ और इस कटोरी से मैं सारा मेजरमेंट लूंगी। सबसे पहले हम आधा कटोरी ऑयल ले लेंगे। ये मैंने ग्राउंडनट ऑयल यूज़ किया है। आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी फ्लेवर नहीं होना चाहिए ऑयल में, यानी कि सोयाबीन या मस्टर्ड ऑयल तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अब इसके अंदर हम करीब आधा चम्मच बटर डाल देंगे। मैं बैटर को 2 पार्ट्स में बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे 2 केक चाहिए हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप का और एक राउंड। तो 3/4 कटोरी मैंने इसके अंदर दही लिया है, वो थोड़ा सा खट्टा था, इसके लिए मैं उसके अंदर 1/4 कटोरी दूध मिला रही हूँ। ध्यान रखिएगा, दही खट्टा नहीं होना चाहिए, आप दही की जगह विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं दूध में मिलाकर। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो 1 कटोरी मैं पाउडर्ड शुगर इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो, अगर ज़्यादा मीठा बनाना चाहें तो आप थोड़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, बट फोंडेंट ऑलरेडी हमारा मीठा होगा, इस वजह से मैं इसके अंदर शक्कर कम डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करके वनीला एसेंस इसके अंदर कम से कम 8 से 10 ड्रॉप डालने वाली हूँ मैं, यानी कि आधा चम्मच के आसपास। वन फोर्थ चम्मच कॉफ़ी पाउडर, उसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे जो करीब 1.5 चम्मच होगा। देखिए, जो फ्लेवर्स होते हैं वो टोटली आपके खुद की टेस्ट बड्स पर डिपेंड करते हैं कि आप कितना डालना चाहते हैं। जैसे अगर आपको कॉफ़ी का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप उसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि वो बहुत ज़्यादा ना हो, अदरवाइज़ कड़वाहट आएगी। तो अब इसके अंदर फ्लेवर डालने के लिए मैं कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ, यानी कि चॉकलेट पाउडर, जो कि 2 चम्मच है। बेकिंग सोडा थोड़ा कम डालना होता है, इसलिए 1/8 टीस्पून डालूंगी मैं।
मतलब 1/4 से थोड़ा ज़्यादा, और फिर बाद में 2 कटोरी मैं इसमें डालूंगी मैदा। तो इससे हमारा रेक्टेंगुलर शेप वाला जो केक है वो बन के तैयार होगा, और राउंड शेप के लिए मैं बैटर बाद में बनाऊंगी। इसके अंदर करीब मैंने 1.5 कटोरी दूध ऐड किया है, और इस तरह का कंसिस्टेंसी हमें चाहिए केक बैटर का। केक टिन को अच्छे से ग्रीस करके उसके अंदर बैटर पोर कर देंगे। माइक्रोवेव मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर रखा था 2 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मेरा माइक्रोवेव 900 वॉट का है, और मैं इसे 180 डिग्री कन्वेक्शन मोड के ऊपर करीब 30 मिनट्स के लिए केक बेक होने के लिए रखूँगी। और मैंने बाटी मेकर यूज़ किया है राउंड शेप का केक बनाने के लिए, इसे भी मैंने प्री हीट किया था 2 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं 20 मिनट्स तक इसके ऊपर केक बेक करने वाली हूँ। तो केक को मैंने अच्छे से चेक कर लिया था अंदर थोड़ा सा टूथपिक डाल के, और वो बन के बिल्कुल तैयार था, टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकला था। तो ये हमारा केक तैयार है, कितना स्पॉन्जी है। बाटी मेकर वाला जो केक है वो हल्का सा हार्ड होगा माइक्रोवेव के केक के कंपैरिजन में, बट मुझे दोनों ही सेम टाइम पे चाहिए थे इसलिए मैंने इसको अलग अलग मेथड से बनाया है। अब मैं इसके ऊपर का जो उभरावा पार्ट है उसे कट कर दूंगी ताकि इसको एक प्रॉपर शेप मिल सके और ये बैलेंस बन सके इसका। आइसिंग के लिए मैं मार्केट से ये टॉपिंग लेकर आई हूँ। ये व्हिप्ड क्रीम है जिसे हमें व्हिप करके और इस तरह का कंसिस्टेंसी देना है। केक रखने से पहले हमें थोड़ा सा क्रीम बेस के ऊपर लगाना रहेगा ताकि वो अच्छे से स्टिक हो सके। अब इसके अंदर मैं चॉकलेट गनाश नहीं बना रही हूँ, मैं जो ऑलरेडी मार्केट से प्रिपेयर्ड चॉकलेट सिरप आता है वो यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा फॉन्डेंट इसके ऊपर स्टिक हो सके। फॉन्डेंट आपके क्लियर बेस के ऊपर स्टिक नहीं होगा। मैं कैसल के पिलर्स बनाने के लिए ओरियो बिस्किट्स यूज़ कर रही हूँ। हम चाहें तो इसके अंदर केक भी यूज़ कर सकते हैं, बट ओरियो बिस्किट्स का थोड़ा सा टेस्ट अलग आता है और क्रंच भी मिलता है। इसे व्हिप्ड क्रीम से कवर करके और फ्रिज के अंदर रख देंगे। फॉन्डेंट को मिनिमम 12 घंटे का रेस्ट चाहिए होता है, इसलिए हमने इसे रात को ही बना के रख दिया था। अब इसके ऊपर हल्का सा ग्रीस लगाकर, अगर आप चाहें तो लगाएं, नहीं तो ज़रूरी भी नहीं होता है, उसे बटर पेपर के अंदर या फिर इस तरह से पॉली बैग के अंदर रख के और उसकी एक रोटी हमें बेलनी है। तो कैसल क्राउन को टाइल्ड शेप देने के लिए हम राउंड चिप्स बनाएंगे, और इसी फॉन्डेंट का हम बेस क्रिएट करेंगे कोन शेप का। तो इस कोन शेप के ऊपर हम ये टाइल्स इस तरह से लगा देंगे ताकि एक उभरावा सा शेप हमें मिले। और ये हमने केक का बेस लिया है जिसके ऊपर चॉकलेट सिरप हमने लगा रखा था, और इस चॉकलेट सिरप की मदद से ही हमारा फॉन्डेंट इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। हम अगर चाहें तो इस पूरे फॉन्डेंट को एक ही बार में कवर कर सकते हैं केक पे। अब मैं मार्बल की डिज़ाइन का बना रही हूँ फॉन्डेंट, मैं इससे कैसल के दरवाजे बनाऊंगी। तो उस शेप में इसको कट कर लेते हैं। अब जो राउंड केक बनाया था उसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है, और उसको भी मैं फॉन्डेंट लगाकर और डिज़ाइन कर रही हूँ। फिनिशिंग के लिए हल्का सा पानी ले सकते हैं हम हाथ में, तो उससे ये अच्छे से फैल जाएगा। अब जो ओरियो पिलर्स हमने बनाए थे वो रख देते हैं ताकि प्रॉपर शेप और डिज़ाइन आ सके। पिलर और केक के बीच का डिज़ाइन हमें ना दिखे उसे छुपाने के लिए हम पाइपिंग लगा देंगे, इससे केक में फिनिशिंग अच्छा आएगा। हम चाहें तो पिलर के जो क्राउन्स हैं उसको कलर कर सकते हैं। मेरे पास अभी ब्रश अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैं कलर नहीं करूंगी, और लास्ट में चॉकलेट सिरप इसके ऊपर डाल दूंगी। मुझे लाइट ब्लू और येलो कलर का थोड़ा सा फेरी सॉर्ट ऑफ थोड़ा स्नो वाइट एंड ड्वार्फ वाला इमेजिनेशन रखते हुए केक बनाना था, इसलिए मैंने ये कलर चूज़ किए। हम कोई भी और अट्रैक्टिव ब्राइट कलर्स भी ले सकते हैं और चाहे जैसा शेप इसको दे सकते हैं। तो मैंने ये मार्बल वाला जो बनाया था फॉन्डेंट उसका मैंने इस पे दरवाज़ा लगा रखा है, और इसके ऊपर मैं इस तरह से पाइपिंग लगा दूंगी जिससे एक अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा और ये और अट्रैक्टिव लगेगा।
दरवाजे का हैंडल लगा दिया मैंने और देखिए कितना सुंदर सा दरवाजा बनके तैयार है। इसी तरह से मैं बाकी पिलर्स पे भी दरवाजे लगा दूंगी। हम चाहें तो खिड़की भी लगा सकते हैं और भी काफ़ी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे अब चॉकलेट सिरप इसके ऊपर ड्रिजल कर दिया है। चाहें तो हम जो आइसक्रीम की वेफल कोन्स आते हैं ना, वो कोन का भी हम बना सकते हैं ये क्राउन, उससे क्रंची नटी इफेक्ट अच्छा आएगा। तो हमारा कैसल केक तैयार है। गाइस कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। थैंक यू, बाय।